जिसने ससुर को हटाकर सत्ता पाई, जमी जमाई पार्टी हथियाई और फिर अपने दम पर कई बार सरकार बनाई। आप सोच रहे होंगे कि ये शख्स कौन है? जवाब आसान है, ये है नरेंद्र के नायडू। जी हाँ, बात हो रही है चंद्रबाबू नायडू की। वैसे चुनाव नतीजों से लेकर अब तक सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार और उनकी राजनीतिक पट्टी बहुत ट्रेंड कर रही है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का अतीत भी कम शौकाने वाला नहीं है। उन पर अपने ससुर की पार्टी पर कब्जा करने का आरोप है। तो ये भी सच है कि आंध्र प्रदेश को आईटी कैपिटल बनाने का श्रेय भी नायडू को ही जाता है। ऐसे में नायडू कुछ महीने पहले जेल भी जा चुके हैं और विकास पुरुष का टैग भी उन्हीं के पास है। ऐसे में सवाल है कि मोदी सरकार की हैट्रिक में नायडू कितने खास हैं? कहीं 2018 की तरह नायडू मोदी को गच्चा तो नहीं देंगे? देखिए स्पेशल रिपोर्ट नरेंद्र के नायडू। एक मार्च 2021 तिरुपति आंध्र प्रदेश, तब चंद्रबाबू नायडू आंध्र में विपक्ष का चेहरा थे। उस रोज वो सत्ताधारी पार्टी YSRCP के खिलाफ एक धरना कार्यक्रम में जा रहे थे। पुलिस ने इजाजत नहीं दी, नायडू जिद पर अड़े तो पुलिस को उन्हें डिटेन करना पड़ा। गुस्सा कर नायडू एयरपोर्ट के फर्श पर बैठ गए। 3 साल और 3 महीने बाद वही नायडू फर्श से अर्श पर पहुंच चुके हैं। तब आंध्र में नायडू के पास गिनती के विधायक और सांसद थे, लेकिन आज नायडू किंग और किंग मेकर दोनों बन चुके हैं। किंग इसलिए क्योंकि नायडू ने आंध्र असेंबली इलेक्शन में बंपर बहुमत हासिल किया है और TDP ने अपने दम पर सरकार बना ली, और किंग मेकर इसलिए क्योंकि राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से 17 पर लड़कर TDP ने 16 सीटें जीती हैं और NDA में BJP के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनी। PM आवास पर NDA की मीटिंग में नायडू नरेंद्र मोदी के बिल्कुल बगल में बैठे थे। तस्वीरें सब बयां कर रही थी। रिटर्न ऑफ नायडू का ये ट्रेलर NDA को हिम्मत दे रहा था तो इंडिया गठबंधन की उम्मीदें दम तोड़ रही थी। देखिए, चंद्रबाबू नायडू की जब BJP के साथ दोस्ती थी तब वो अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था और चंद्रबाबू नायडू संयोजक हुआ करते थे NDA के, तो उस समय के दौर में भी चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर पद मांगा था, साथ ही संसदीय कार्य मंत्री पद भी अपने पास रखा था। अब दौर बदल गया है, अब की BJP मोदी और अमित शाह की BJP है। यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू ने भी बहुत वनवास भोगा है, उस वनवास के बाद वो बहुत चीज़ें मांगेंगे अपने लिए, तो ये रिश्तों में जो बदलाव आया है इसमें विचारधारा की बात कम होगी, किसको क्या मिल रहा है इस पर ज्यादा बात। नीतीश कुमार को अगर पलटीमार कहा जाता है तो चंद्रबाबू नायडू का अतीत भी चौंकाने वाला है। उन पर अपने ससुर के खिलाफ राजनीतिक साजिश करके पार्टी पर कब्जा करने का आरोप है। ये चैप्टर भी रीओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप नायडू का वो इंट्रो जान लीजिए जो बहुत से लोगों को पता ही नहीं। आंध्र प्रदेश के पूर्व CM और तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार NT रामाराव के दामाद हैं चंद्रबाबू नायडू। NT रामाराव की बेटी N भुवनेश्वरी के साथ नायडू की शादी हुई। साउथ के सुपरस्टार N बालाकृष्णन NT रामाराव के बेटे और पोते जूनियर NTR का भी जलवा दुनिया देख रही है। ऑस्कर विनिंग RRR में जूनियर NTR के एक्शन को सबने सराहा। इस परिवार से नायडू का रिश्ता तो अब आप समझ गए होंगे। के दशक में चंद्रबाबू नायडू ने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। 28 साल की उम्र में पहली बार वो कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने, लेकिन उसके बाद वो चुनाव कर TDP के NTR के दौर में हार गए। इस हार के बाद उन्होंने TDP ज्वाइन करी और अब वो TDP के एक सशक्त चेहरे। जिस इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को आज तक कोसा जाता है, उस दौर में चंद्रबाबू नायडू की छवि संजय गांधी के सपोर्टर की थी। चंद्रबाबू नायडू 28 साल में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बन गए थे और 30 साल की उम्र में वो मंत्री भी बन गए थे, लेकिन इसके बाद चंद्रबाबू नायडू के साथ कुछ बड़ा होने वाला था। 1980 के आसपास की बात है, तब नायडू आंध्र में सिनेमेटोग्राफी मिनिस्टर थे, लिहाजा फिल्मी दुनिया से उनका राबता होता था। सुपरस्टार NT रामाराव से नायडू की मुलाकात हुई। NTR को नायडू अच्छे लगे और सितंबर 1981 में NTR ने अपनी बेटी भुवनेश्वरी की शादी नायडू से कर दी। '82 में एक बड़ी राजनीतिक घटना हुई। NTR ने अपनी पार्टी बनाई, नाम रखा तेलुगु देशम पार्टी। 1983 में विधानसभा चुनाव में TDP की आंधी में सारे विपक्षी उड़ गए। 294 सीटों में से TDP ने 201 सीटें जीतकर तहलका मचा दिया। सुपरस्टार NTR आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। फिल्मी दुनिया के रुपहले पर्दे से उतरकर जैसे ही NTR ने राजनीति में कदम रखा, उन्होंने डबल सेंचुरी ठोक दी, मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इस दौरान भी TDP
के खिलाफ लगातार चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस की आवाज बन एनटीआर के खिलाफ आवाज उठाते रहे, लेकिन उसके बाद जब चंद्रबाबू नायडू हारे तो उन्होंने तुरंत ही टीडीपी में ज्वाइनिंग कर ली। एक ऑपरेशन के सिलसिले में एनटीआर अमेरिका गए और उनकी गैर मौजूदगी में टीडीपी में तख्ता पलट हो गया। इस संकट की घड़ी में चंद्रबाबू नायडू ने ही टीडीपी को संभाला। एनटीआर जब वापस आए तो वो चंद्रबाबू नायडू से खासे प्रभावित हुए। 1986 में चंद्रबाबू नायडू को एनटीआर ने टीडीपी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया, लेकिन एनटीआर को क्या पता था कि एक दिन चंद्रबाबू नायडू ही उनका सिंहासन छीन लेंगे। दरअसल टीडीपी पर एनटीआर की दूसरी बीवी लक्ष्मी पार्वती का कंट्रोल बढ़ने लगा। उनकी मनमानी पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं आती थी। नायडू ने इस आक्रोश को कैश किया और टीडीपी के अंदर वो खुद को विकल्प के तौर पर पेश करने लगे। नायडू ने अपने ससुर एनटीआर की लीडरशिप को हथिया लिया, 263 दिन की सरकार गिरा दी और 1 सितंबर 1995 को नायडू ने 150 विधायकों के समर्थन के साथ आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ ली। उस वक्त नायडू की उम्र सिर्फ 45 साल थी। 1999 के असेंबली चुनाव में नायडू ने बहुमत हासिल किया और साबित कर दिया कि जनता को नायडू राज पसंद है। देखिये, चंद्रबाबू नायडू ने निश्चित तौर पर आंध्र प्रदेश की तस्वीर बदली है। आंध्र प्रदेश को आईटी सेक्टर में बढ़ाया है, हैदराबाद को साइबर सिटी के तौर पर तब्दील किया और तमाम विदेशी निवेशों को लाया। अब उनकी कोशिश होगी कि जिन्होंने जो रास्ता विकास का आंध्र प्रदेश में खोला था उसको वो वापस दोबारा शुरू करें और सबसे पहली मांग उनकी होगी कि आंध्र प्रदेश के लिए एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और आंध्र के लिए विशेष पैकेज भी दिया जाए। साथ ही जो वहाँ राजधानी बनाने का सवाल कई दिनों से, जो कि जब से विभाजन हुआ था आंध्र प्रदेश का उसके बाद से वो पेंडिंग है, उस सवाल को भी वो सुलझाना चाहेंगे और सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि आंध्र को ज्यादा से ज्यादा हिस्सा वो केंद्र से दिलाए। 70 के दशक से राजनीति में सक्रिय ये चेहरा अचानक से देश में ट्रेंड करने लगा है। सबको पता है एनडीए की सरकार में नायडू के 16 सांसदों की क्या अहमियत है। केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। 2019 में यही नायडू नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे थे। वही नायडू नरेंद्र मोदी के बिल्कुल बगल में बैठे हैं। आंध्र के सीएम की कुर्सी भी हाथ में है और संभावित प्रधानमंत्री का साथ भी है। नायडू के दोनों हाथ में लड्डू है, ये कहना गलत नहीं होगा। अब यहाँ एक जरूरी बात, नायडू की पार्टी टीडीपी का जन्म गैर कांग्रेसी राजनीति से शुरू हुआ था और 2018 में पहली बार नायडू ने कांग्रेस से हाथ मिलाया था। यानी कि अगर राजनीति विचारधारा के तौर पर देखा जाए तो नायडू बीजेपी के ज्यादा करीब है बजाय कांग्रेस के। लेकिन वक्त वक्त पर दोनों से हाथ मिलाकर नायडू ये भी साबित कर चुके हैं कि सियासत में कोई हमेशा किसी का दुश्मन नहीं होता। अब मैं बिग बॉल ग्राफिक्स की मदद से आपको चंद्रबाबू नायडू के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताती हूँ, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि केंद्र की राजनीति का नायडू और उनकी पार्टी से क्या कुछ रिश्ता है। तो देखिए किस तरीके से 1996 में नेशनल पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हुई थी। ये तमाम बातें 1996 के आम चुनाव में यूनाइटेड फ्रंट के संयोजक बने थे और ऐसे में दिल्ली का आंध्रा भवन था यूनाइटेड फ्रंट का हेडक्वार्टर। और ये तमाम बातें 1999 के चुनाव में बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था और आंध्र की 42 लोकसभा सीट में उन्होंने 36 सीटें जीती थी। और देखिए किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार को उन्होंने समर्थन भी दिया था। 2014 में मोदी सरकार को टीडीपी का समर्थन मिला और उसी के साथ मोदी मंत्रिमंडल में टीडीपी के हिस्से में दो मंत्री पद आए थे। और देखिए 2018 में मोदी सरकार से समर्थन वापस लिया। और ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के बारे में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।